हाई एवरी वन वेलकम बैक टू स्टडी आई क्यू चैनल आइसलैंड के अंदर कुछ वीक पहले एक वर्ल्कैनिकप्शन हुआ था एंड दैट वर्ल्केनिकप्शन इज नॉट स्टॉपिंग अभी वो एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है इतना वॉलकैनिकप्शन का उसका चर्चा चल रहा है लेकिन ये वॉलकैनिकप्शन नॉर्मल वॉल्केनिकप्शन नहीं है देर इज अस्ट्री बिहाइंड दिस वर्ल्केनिकप्शन क्या है ये मुल्क वोल्केनिक इरप्शन कहाँ पे है क्यों है क्या मिस्ट्री है इसके बिहाइंड में और क्यों ये इतना हॉट स्पॉट पिकनिक स्पॉट बन गया है इन सब के बारे में आज हम बात करते हैं मेरा नाम संतोष है अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे लिटिल अंडरस्कोर सिंपल अंडर बुद्धा पर सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं इसके साथ ही इस वीडियो का पी भी आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा लिटिल अंडर सिंपल अंडर बुद्धा कुल सो ये वॉल्कनिकपशन हो रहा है फिजर वॉल्कनिकपशन है बहुत ज़्यादा इरप नहीं है बहुत ज़्यादा वॉइलेंट इरप्शन नहीं है कि किलोमीटर्स इन द एटमोसफियर इसका ऐश और डस्ट जा रही है क्या इट इज़ नॉट हैपनिंग फिशर है धीरे धीरे निकल रहा है और ऐसे चैनल्स के अंदर लावा फ्लो होके बह रहा है ज़्यादा डेंजर नहीं है इसीलिए लिए हॉट स्पॉट पिकनिक का स्पॉट भी बन गया है ये तो न्यूज़ में क्यों है 900 साल बाद इट अ डॉर्मेंट वॉल्नो डॉर्मेंट वॉल्केनो किसको बोलते हैं जिसमें आपको पता नहीं पिछली बार कब बहुत टाइम से जैसे बोलते हैं ना सोया हुआ वॉल्केनो पिछले 900 सालों से यहाँ पे कुछ भी वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं हुई है लेकिन अभी सडनली सडनली तो नहीं बोल सकते क्योंकि वहाँ पे लगभग पचास हजार अर्थ क्वेक्स आए हैं अर्थ क्वेक्स फॉर्म्स हुए हैं उसके बाद में ये इरप्शन होना स्टार्ट हुआ है तो ये रेड लावा निकल रहा है कहाँ से आइसलैंड की कैपिटल है राइक राइ राकेविक से देखो आइसलैंड के थोड़े वर्ड्स हैं ना इट्स वेरी टफ टू प्रोनाउंस सो इफ आई डू समिस्टेक्स हियर प्लीज फॉरगिव मी देयर राइट सो राकेनिक एक आइलैंड आइसलैंड uh, का कैपिटल है इससे लगभग फोर्टी किलोमीटर साउथ की तरफ यहाँ ये यह इरप्शन होना स्टार्ट हुआ है सो दिस इज इन दी क्लोज टू दी माउंट फागरा डाल शाक इसको हम फागरा डाल शाक करके प्रनाउंस करेंगे तो ये एक आ, इस, इसी माउंटेन पर हमको वॉल्केनिक इरप्शन मिला है तो ये क्या हो क्या रहा है इसके पीछे का साइंस समझने का कोशिश करो कि क्या रीज़न क्या है इसका ये एक क्राइसुविक सिस्टम है यहाँ पे ये एक पूरा वॉल्केकैनिक सिस्टम है जो ये पूरा राइकेजेंस पेनिनसुला पर है जो आइलैंड का एक पेनिनसुला है आई शो यू दी मैप ऑल्सो तो यहाँ पे सिचुएटेड है तो यहाँ पे पूरा एक वॉल्केनिक का सिस्टम है ना ये पिछले 900 सालों से इनएक्टिव है कोई भी वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं हुई है यहाँ पे इनके हिसाब से आइसलैंड का जो मेट्रोलॉजिकल ऑफिस है अकॉर्डिंग टू दैम लास्ट टाइम जो यहाँ पे राइकन पेनेंसुला पे वॉल्कनिक एक्टिविटी हुई थी वो 800 साल पुरानी थी जो लगभग 30 साल तक चली थी 1210 से 1240 और हमको नहीं पता हो सकता है कि ये वॉल्कनिक एक्टिविटी भी बहुत लंबे सालों तक चले क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है वो अभी पता चलेगा तो यहाँ पे क्या हुआ है इस रीज़न ने पिछले एक साल के अंदर लगभग पचास छोटे बड़े अर्थक्वेक झले हैं यहाँ पे राइट जनरली वो एक्चुअली टेक्टोनिक एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट है तो वहाँ पे अर्थक्विक्स आते हैं दस हज़ार ग्यारह हज़ार हल्के फुल्के ट्रेमर्स इजी बीजी हैं लेकिन पचास हज़ार बहुत बड़ा नंबर हो जाता है इससे भी ज़्यादा अर्थक्वेक्स आए और यहाँ पे एक बहुत बड़ा 5.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था माउंट केलर पर माउंट केलर जो है ये लगभग ये आइसलैंड की जो कैपिटल है राइकविक इससे थोड़ा सा दूर है यहाँ पे कोई वॉल्केकैनिक इरप्शन नहीं है इरप्शन तो हमारा यहीं पे है फागराडल शाख पे लेकिन अर्थक्वेक हमको यहाँ पे भी मिला है इतना दूर में भी ना लगभग पचास हजार एक किलोमीटर दूर हमको माउंटेन फागरा डाल शाक पे ना ये जो राइक पेनसुला है नॉर्मली ये क्या है मिड अटलांटिक रिज का एक पार्ट है मिड अटलांटिक रिज याद करो अटलांटिक ओशन के अंदर डाइवर्जेंट हो रही है दो प्लेट्स हमारी डाइवर्जेंट का मतलब क्या हुआ कि दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है इस दूर जाने में यहाँ पे नई सरफेस कंस्ट्रक्ट हो रही है कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इसी कंस्ट्रक्शन में ये मिड अटलांटिक ओशन रिज बना है नाउ ये जो राइकिज इन स्पेनसुला है इट इज़ ऑन दी आइसलैंड है यहाँ पर और यहाँ पे हमारी मिड ओशनिक रिज है नाउ ये इस तरीके से बना हुआ है कि इट कम्स इन अ जिग जैक फॉर्म कि ये यहाँ पे भी डाइवर्जेंट का हमारा दो प्लेट्स है यहाँ पे डाइवर्ज हो रही है नाउ दिस रिज इज़ अ सोर्स जहाँ पे ये स्लोली अटलांटिक वाइडर हो रहा है पिछले मिलियंस ऑफ साल से जो अटलांटिक ओशन है इट इज बिकमिंग वाइडर पैसिफिक ओशन स्मॉलर हो रहा है और ये मिड अटलांटिक रिज का एक एक्सटेंडेड पार्ट है यहाँ पे और ये यही, यहीं से ट्रेमर हो रहा है तो यहाँ पे आप बहुत इंटरेस्टिंग है ध्यान से सुनो कि यहाँ पे साइंटिफिक स्टडी करी है यहाँ ने और इन्होंने बताया है कि ये जो मेगमा निकल रहा है ना दिस फ्रेशली मिंटेड बेसाल्ट जो बिल्कुल लावा निकल रहा है ये लावा धरती में नीचे पंद्रह किलोमीटर की डेप्थ से आ रहा है लाइक like बिलो 15 किलोमीटर बीनीथ द सरफेस, जो बहुत बहुत ही गहरा है और मैग्मा इस एरिया में इस आइसलैंड के एरिया में इतना गहराई से मैग्मा निकला हुआ पहले कभी नोटिस नहीं करा गया है दिस हैज नॉट बीन सीन इन दिस रीजन फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स क्योंकि मोस्टली जो मेगमा है वो क्रस्ट से एस्टनोसफेयर से अपना वे ऊपर करता हुआ इवॉल्व हो जाता है मतलब कि सीधा ऐसे ही रफ नहीं होता वो हो सकता है कि चैनल्स के थ्रू आता है नाउ दिस मैग्मा इस बॉल्केनो का मैग्मा स्ट्रेट आ रहा है ऊपर की तरफ एंड मोर इम्पोर्टेंटली इस मैग्मा के नीचे ये जो आपको मैग्मा दिख रहा है इसके नीचे एक और लाइन चल रही है अंडरग्राउंड लावा फ्लो हो रहा है एंड दैट अंडरग्राउंड लावा फ्लो जो है इट इज सिमिलर टू वॉट वी आर सीन ऑन द ग्राउंड जो ग्राउंड पे है वैसा ही हमको अंडरग्राउंड पे दिख रहा है तो इसे क्या मतलब निकाला जा रहा है कि ये जो इरप्शन है ये प्रोट्रेक्टेड भी हो सकता है विच मीन्स कि इसमें इनफ्लो एंड आउटफ्लो का सिस्टम है सबसाइडिंग हो रही है इसके अंदर इसका मतलब है कि कहीं पे ये इन हो रहा है आउटलेट हो रहा है और जहाँ से एक जगह से ये फिशर हो रहा है तो इस तरीके से ये इसका अपना खुद का एक साइकिल चलता रहेगा और इसी साइकिल की वजह से देखो अगर साइकिल चलता रहेगा तो मतलब एक ही इसको कॉन्स्टेंट सप्लाई हो रही है दैट मीन्स कि दिस इरप्शन हैज़ ए पोटेंशियल टू सस्टेन इट सेल्फ फॉर ए क्वाइट अ लॉन्ग टाइम और हमने क्या देखा था आठ साल पहले जो इरप्शन हुआ था वो लगभग तीस साल चला था तो क्या इस तरीके से अगर ये सस्टेनेबल है तो प्रोबेबिलिटी है कि ये भी लंबे टाइम तक चल जाए तो अभी देखो रीज़न क्या है आइसलैंड का सिचुएशन है यहाँ पे यहाँ पे दो है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट ये नॉर्थ अमेरिकन और यूरेशियन प्लेट जो है यहाँ पे इट मीट्स ये यहाँ पे सेपरेट हो रही हैं दोनों ये दोनों यहाँ से सेपरेट हो रही हैं और यहाँ पे हमारा मिड रिज भी है नीचे की तरफ तो इसी सेपरेशन के अंदर आइसलैंड का सिचुएशन है यहां पे ठीक है ये है आइसलैंड का सिचुएशन और ये दिख रहा है आपको ये है आइसलैंड की कैपिटल राइकविक सो ये राइकविक इसके जस्ट 40 किलोमीटर पे ये फागराडा शॉ शौ, शॉल का हमारा जो माउंटेन है यहाँ पे इरप्शन होना स्टार्ट हुआ है इससे पहले 2010 के अंदर इस माउंटेन के अंदर आई एम रियली सॉरी आई कैन नॉट प्रोनाउंस दिस नेम बट आप देख लीजिए इस माउंटेन के अंदर 2010 में बहुत ही वायलेंट बहुत ही वायलेंट इरप्शन हुआ था उस वायलेंट इरप्शन की वजह से बहुत ही लंबे टाइम तक यूरोपियन की सारी जो एयरलाइंस है वो रुक गई थी और बहुत टाइम तक यहाँ पे पूरा अंधेरा रहा था तो ये एक मेरे, एक रीज़न है तो अभी 2010 में ये वॉल्ड इरप्शन हुआ था दिस दिस वेरी कॉम्प्लिकेटेड नेम समथिंग एंड उससे पहले लोक लाकी करके 1783 के अंदर इरप्शन हुआ था और 1783 में जो इरप्शन हुआ था वो इतना टॉक्सिक था वहाँ से इतनी ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड निकली थी और बाकी टॉक्सिस गैसेस निकली थी आठ महीने तक की आइसलैंड के अंदर लगभग नौ लोगों की डेथ हो गई थी और ये नौ लोग लगभग इसके अ क्वार्टर ऑफ द पॉपुलेशन थे इस इरप्शन ने 1783 में इसका पूरा वेदर चेंज कर दिया बहुत सारी डेथ्स हो गई थी और अक्रॉस द यूरोप एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस वॉल्केकैनिक पॉल्यूशन तो यहाँ पे आपका पॉइंट एक ये भी बनता है कि अगर आपको पॉल्यूशन के बारे में बोला जाए तो सिर्फ मैन मेड नहीं नेचर का पॉल्यूशन भी हमेशा याद रखना तो यहाँ पे जो इरप्शन हो रहा है ये बहुत डेंजरस भी हो सकता था इसकी लोकेशन की वजह से लेकिन साइंटिस्ट ने एग्जैक्टली प्रोडिक्ट करा कि कैसा इरप्शन होगा कहाँ पर होगा यहाँ पे उन्होंने प्रडिक्ट करा कि यहाँ पे फाउंटेनिंग एंड फ्लोइंग ऑफ द लावा दिखेगा हमको बहुत ज़्यादा ऐसे उछलता हुआ ब्रस्ट होता हुआ इरप्शन नहीं दिखेगा वॉयेंट इलेक्ट इरप्शन नहीं होगा लेकिन फिर बात ये कितना कि लावा होगा कितनी टॉक्सिस केसेस होगी ये हमको नहीं पता साइंटिस्ट ये प्रिडिक्ट कर पाए हैं कि लगभग टेन ऑफ थाउजेंड लगभग पाँच हज की रेक्टर स्केल पर इतने सारे तीन वीक से इरप्शन से पहले अर्थक्वेक्स आना स्टार्ट हो गए थे तो ये मतलब इरप्शन हुआ उससे पहले अर्थक्वेक आना स्टार्ट हो गए थे तो उसकी वजह से क्या हुआ है आई वॉन्ट टू शो यू दिस स्लाइड फर्स्ट दिस इज इट ध्यान दिस अंडरस्टैंड दिस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड वॉट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू अर्थक्वेक पहले आना स्टार्ट हो गए जब दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे से दूर जा रही है टकरा रही है या उनके बीच में किसी भी तरीके का मूवमेंट हो रहा है तो उन दो प्लेट्स के बीच में टेंशन जनरेट होता है वो टेंशन जब रिलीज होता है तब अर्थक्वेक आता है नाउ वॉट हैपन कि पहले इतने ज़्यादा अर्थक्वेक्स आ गए लगभग पचास हज़ार के आसपास तो उन अर्थक्वेक की वजह से इन दो प्लेट्स के बीच में जो टेंशन थी वो टेंशन रिलीज हो गई टेंशन के रिलीज होने से जो मैग्मा था डायक के अंदर उसने इस पूरे सिस्टम को ट्रिगर कर दिया वर्क इट इट वर्कड एज ए ट्रिगर ऑन दी होल सिस्टम तो उसकी वजह से क्या हुआ कि टेंशन टूट गई अर्थक्वेक्स साए और इरप्शन होना स्टार्ट हो गया आई होप आई एम क्लियर इन दैट कि अर्थक्वेक और इरप्शन का पूरा रिलेशन है यहाँ पे तो यहाँ पे आप ये भी देखो कि इसमें एक जगह पे हमको दिख रहा है इरप्शन हो रहा है बट देर आर प्लेसेस जहाँ पे इस तरीके से डस्ट भी निकल रही है यहाँ पे इस तरीके से सिंपल मटेरियल लाइक सिंपल जो रॉक के सॉइल और गॉली इसको बोल लो ये यहाँ से अर्थ में से निकल रही है सो दिस इज वन थिंग नाउ ये आ, ये जो अटेंशन क्या मिला हमको कि साइंटिस्ट ने पूरा मैप कर लिया था इंट्रूजन ऑफ द मैग्मा इनटू अ सब सर्फेस डाइक मैग्मा जो है बाहर निकल रहा ये बिल्कुल एक सब सर्फेस डाइक है वहाँ पे डाइक क्या होती है एक ऐसी शीट ऑफ रॉक होती है दैट कैन फॉर्म इन दी फ्रैक्चर ऑफ ओल्ड रॉक डाइक यहाँ पे सिल्ट और डाइक दो होती है सिल्ट हॉरिजॉन्टल होती है डाइक वर्टिकल होती है अगर मैग्मा वर्टिकल में सॉलिडिफाई हो जाए तो उसको हम डाइक बोलते हैं और उन्होंने यहाँ पे फोरकास्ट कर लिया था साइंटिस्ट ने इट फोरकास्टेड कि ये जो इरप्शन है ये माउंट केलर पे होगा किस तरीके से नदन मोस्टिप पे होगा साइंटिस्ट स्पेस से देख रहे थे जीपीएस लगा हुआ था वहाँ पे जाके ग्राउंड ट्रूथिंग भी कर रहे थे उन वो देख रहे थे कि किस तरीके से जो अर्थ है यहाँ पे वो खुद को डिफॉर्म कर रही है मूव कर रही है डिफॉर्म का मतलब क्या है कि जो दोनों प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं और मूव हो रही हैं तो उन्होंने ये कंक्लूड कर लिया था कि यहाँ पे जो राइकन्स पेनसुला है यहाँ पे 11 मार्च को इरप्शन होगा एंड मोस्ट लाइकली उनका यही प्रडिक्शन था कि यही जो इलेप्शन है ये फॉल पे ही होगा ना ये देखो दिस इज जस्ट अ मैप ऑफ द अर्थक्वेक की पिछले तीन वीक के अंदर इतने सारे अर्थक्वेक्स यहाँ पे आए हैं नाउ ये जो इरप्शन है ये इफ़्यूजिव इरक्शन है फिजर इरक्शन बोल सकते हो इसमें मैग्मा जो है वो धीरे धीरे सरफेस की तरफ आता है और स्लोली स्लोली लावा जो है वो वल्केनों के माउथ से बाहर निकलता है बहुत ही इंटेंस इरप्शन नहीं है इंटेंस इरप्शन जो है वो एक्सप्लोजिव इप्शन होता है कि सडनली ब्रस्ट होगा एकदम और जैसे आप कोका कोला की या किसी भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है उसको एक बार मूव करो उसको एक बार थोड़ा सा हिला के फिर आप उसका ढक्कन खोलोगे तो कैसे वो इरप्ट होती है ऊपर एकदम प्रेशर के साथ तो वो होता है एक्सप्लोजिव इरप्शन तो ऐसा मेगमा जिसमें मेगमा बिल्कुल ऐसे बोलते हैं ना कि सर्फेस तोड़ के बाहर निकल के एकदम ब्रस्ट हो जाता है तो वो तो बहुत ही डेंजरस होता है उसमें तो काफ़ी उसमें आपको प्रोडिक्शन भी नहीं मिल पाता है कब होगा और आपको पूरी जगह खाली करवानी पड़ती है न आप बोलोगे कि कोई एक ही थोड़ी इरप्शन हो रहा है इसको इतना क्यों मीडिया अटेंशन मिल रहा है बिल्कुल सही बात है राइट नाउ यहाँ पे लगभग चौबीस वॉल्केनिक एक्टिव इरप्शन है अर्थ पे ट्वेंटी फोर इरप्शन बट यू आर टॉकिंग ओनली अबाउट वन जैसे कि कामचत का है रशिया के अंदर बहुत ही रिमोट प्लेस के अंदर है और इसका जो इम्पैक्ट है वो एयर ट्रेवल पे आपको इतना मेन इम्पैक्ट एयर ट्रेवल पे आपको नॉर्थ अमेरिका टू एशिया वाले में दिखाई देता है तो ऑल्दो दे हैव सम सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन दी लाइफ एंड लाइवलीहुड ऑफ कम्युनिटीज़ ऑल्सो इंडोनेशिया के अंदर मेरापी ये सारे नोट कर लो दीज आर इंपॉर्टेंट दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स ऑल्सो जैसे इंडोनेशिया का मेरा पी कंटिन्यूसली पायरो करंट्स भेज रहा है कम्युनिटीज़ में कंटिन्यूसली इरप्ट हो रहा है इटली का माउंट इतना बहुत एक्टिव है करंटली वहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं उनको वहाँ से रिहैबिलिटेट uh, भी कर दिया था दो वीक पहले यहाँ पे एक एक्वाडोर के अंदर भी इरप्शन हुआ था उसके बारे में तो हमने नहीं सुना तो क्या रीज़न है कि हम इस माउंटेन इस इस इरप्शन के बारे में इतनी बात कर रहे हैं देखो एक तो इस इरप्शन का जो रीज़न है कि ये नौ साल बाद एक्टिव हुआ है इतने टाइम से ये इनएक्टिव था सब लोग सोच रहे थे कि डॉल हो गया है बट इट सडनली बिकेम एक्टिव तो दिस इज वन रीजन तो उसमें फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि अच्छा जो इंडोनेशिया का माउंट शिनाबॉग है ये भी तो अभी हुआ है 2010 से पहले कोई इरप्शन था ही नहीं उसमें वो तो लोग सोच रहे थे कि वो तो इनएक्टिव वर्ल्ड है बट सडनली इट इरेड इन एट हाफ ऑफ द आई एंड ऑल्सो तो उसके बाद में अभी भी उसमें थोड़ा बहुत इरप्शन होता रहता है किसी तरीके की एशेस या हॉट डेबरीज है वो निकलती रहती हैं पर क्या है ना कि देखो एक इंपॉर्टेंट रीज़न ये कि Iceland, है कि वी आर वॉचिंग आइसलैंड ठीक है वहाँ पे अभी देखो जितना सोशल मीडिया बढ़ गया है और ये बहुत ही फिजर टाइप का है तो पीपल आर गोइंग देयर दे आर पोस्टिंग इट ऑन इंस्टाग्राम टिकटॉक ट्विटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा उसकी वजह से क्या है कि लोगों को मिल रहा है एंड एंड हु वुड एंड लाइक टू वॉच द नेचर्स ऑफ वंडर लाइव ठीक है दिस इज़ लाइक लाइव वीडियोज़ हो रहे हैं वहाँ से इंस्टाग्राम पे टिकटॉक पे एंड दिस इज़ एक्चुअली मैग्निफिजेंट इफ यू सी दिस सी हाउ मतलब इट इज़ डेंजरस बट दिस इज़ वन इन अ मिलियन टाइप ऑफ ए थिंग दिस लुक्स अमेजिंगली ब्यूटिफुल एंड पीपल हैव स्टार्टेड कमिंग ईयर एंड दे स्टार्टेड ईटिंग फूड ऑल्सो लोग यहाँ पे आ रहे हैं अपना खाना सेक के जा रहे हैं यहाँ पे तो दिस हेज बिकम काइंड ऑफ ए टूरिस्ट स्पॉट ऑल्सो सो सी दिस इज हाउ दिस इज इरप्टिंग सो ऑल्सो आई हैव टेकन दिस वीडियो फ्रॉम दिस ग्लोबल न्यूज एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू समथिंग सी दिस इज हाउ द लावा इज फ्लोइंग बिल्कुल दंडर्स ऑफ नेचर राइट

ये जो साइट है जनरली इसको ओपन रखा गया अभी विजिटर्स के लिए लेकिन यहाँ के कितना टॉक्सिक इमिशन हो रहा है सल्फर स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड का लेवल कितना है सल्फर डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो साढ़े चार सौ टाइम्स ऑलरेडी बढ़ चुका है डब्लू एच ओ के रिकमेंडेशन के बाद जब से इरप्शन स्टार्ट हुआ है उसमें पिछले चौबीस घंटे में साढ़े चार सौ गुना सल्फर डाइऑक्साइड का इट का लेवल उस एटमॉसफेयर में बढ़ चुका है इट इज एक्सीडेड टू नाइन थाउजेंड माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक का मीटर लेकिन फिर भी लोग अभी वहाँ पे जा रहे हैं दे आर स्टिल सी इट सी सी हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली ट्रैक है यहाँ पे चार घंटे का ट्रैक करके आपको जाना पड़ता है बट बट इजेंट इट वर्थ इट इज इंट इट रियली वर्थ इट सी इन नाइट इट लुक्स अमेजिंगली ब्यूटिफुल सो दिस वॉज so this was it about this um, volcanic eruption so i hope you had some new information about this and uh, this is it i'll see you guys in the next video till then be happy jai